अब उखरवी एतबार से भी समझ लें और दुनियावी एतबार से भी, दोनों एतबार से कामयाबी का एक फॉर्मूला कुरान ने अता फरमाया, वमन युकशुहा नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। जो बचा लिया गया बुख्ल से, बच गया नहीं, बचा लिया गया, युकशुहा नफ्सिही, जिसकी जात को बचा लिया गया बुख्ल से, वो बहुत बड़ा वो कामयाब है, वो मुराद को पहुंच गया। बखीली से जो बचा वो कामयाब हो गया, और बखीली ऐसी चीज है कि आदमी उससे बच नहीं सकता अगर खुदा ना बचाए, और बखीली से अल्लाह ही बचा सकता है, वरना ये इतनी खतरनाक चीज है। माल की मोहब्बत, अल्लाह अकबर, अश्शैतानु यअदुकुमुल फक्र, शैतान तुम्हें जो है फक्र का जो है वो तुम्हें अंदेशा दिलाता है और तुम्हें बताता है कि अल्लाह की राह में माल खर्च करोगे तो तुम्हारा माल कम हो जाएगा। लेकिन यही शैतान शादी के अंदर खुराफात में खर्च करना हो तो ये वसवसा डालता है, कमाए किसके लिए हो, कमाए किसके लिए हो। अब वहां डेकोरेशन में लाखों खर्च हो रहा है, 800-800 रुपए की डिशें बनाई जा रही हैं, खाना जाय हो रहा है, डांस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन वहां आदमी बेदरेक खर्च करता है। लेकिन जहां अल्लाह के नाम पर देने की बात आएगी, दीन के नाम पर देने की बात आएगी, तो शैतान कहेगा पैसा कम हो जाएगा। यअदुकुमुल फक्र, यअदुकुमुल फक्र। और एक खास बात अर्ज करता हूं जिसे जिंदगी भर जहन में रखिएगा, आज अगर कुरान पर अमल और कुरान के असरारो रुमूज और कुरान के फायदे हमारी जिंदगी में नजर नहीं आते या हम कुरान से फायदा नहीं उठा पाते, उसका एक बड़ा रीजन बखीली है। इसे भी मैं कुरान से साबित करूंगा। ये कंजूसी जो है ना, ये बखीली जो है, इसकी वजह से इंसान कुरान से फायदा नहीं उठा पाता। और जिसके दिल में सखावत का जज्बा हो, अल्लाह उस पर कुरान की हिकमत के दरवाजे खोल देता है। आइए मैं इसको कुरान शरीफ से समझाऊं। कुरान कहता है ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल्लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए हिदायत की किताब। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून। ये मुत्तकियों के लिए हिदायत की किताब है, और मुत्तकीन वो हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं और हमारी दी हुई रोजी को हमारे नाम पे लुटाते हैं। तो जब दी हुई रोजी को बंदा लुटाता है तो अल्लाह कुरान की बरकतें उसके ऊपर खोल दिया करता है, खोल दिया करता है। बखीली इतनी खतरनाक चीज है कि बुख्ल की वजह से वो अल्लाह की नजरों से भी गिर जाता है, बंदों की नजरों से भी गिर जाता है। और सखावत की फजीलत आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, जब से ये हदीस मेरी नजरों से गुजरी है एक अजीब कैफियत सी पैदा हुई। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्सखी हबीबुल्लाह वलौ कान फासिक। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सखी अल्लाह का महबूब है अगरचे गुनहगार क्यों ना हो, गुनहगार भी है लेकिन सखावत करता है तो अल्लाह के नजदीक वो पसंदीदा बंदा है, पसंदीदा बंदा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माल की मोहब्बत दिल के अंदर इतनी जमी हुई रहती है इंसान के कि अटकता है, माल निकालना हो तो अटकता है दिल के अंदर। तो ये माल की मोहब्बत अल्लाह ने दिल में डाली है, नहीं डाली ऐसी बात नहीं है।
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ, یہ قرآن نے کہا ہے, پوری تفصیل ہے اس کی. جن جن چیزوں کی محبت اللہ نے دل کے اندر ڈالی ہے اس کا تذکرہ قرآن شریف کے اندر موجود ہے. لیکن پھر قرآن نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ محبت تمہارے دل میں ڈالی تو گئی, لیکن ان ساری چیزوں سے محبت زیادہ اللہ کی ہونی چاہیے اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے. اب تمہیں ہی کہا جاتا ہے کہ تم اپنے نفس کو اگر اپنی ذات کو کامیاب کرنا چاہتے ہو تو تم بخیلی سے اپنے آپ کو بچنے کی دعا کرو کہ اللہ ہمیں بخیلی سے بچا. اللہ تمہیں بخیلی سے بچا لے تو سمجھ لو کہ تم کامیاب ہو گئے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آقا کریم رعوف و رحیم علیہ التحیت و التسلیم سخاوت کے سلسلے میں ایسے سخی تھے, ایسے سخی تھے, ایسے سخی تھے کہ سب سے بڑا سخی اللہ اور اللہ کے بعد انسانوں میں سب سے بڑے سخی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا اپنے غلاموں کو دیا اور مانگنے والوں کو دیا کہ لینے والے خود دینے والے بن گئے, دینے والے بن گئے.